खाई है और उस कंडीशन में अगर रोड आधा लैंडस्लाइड होके नीचे चला जाए तो रोड को हम कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड होती है गैबियन वॉल। तो देखते हैं कि वो गैबियन वॉल कैसे बनाते हैं। ये मेरा मध्य प्रदेश का सिल्लेवानी क्षेत्र है जहां पर मेरा रोड आधा पोर्शन स्लाइड होके खाई की तरफ गिर गया था। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर रिटेनिंग वॉल बना दे या फिर गैबियन वॉल बनाए। रिटेनिंग वॉल यहाँ पर नहीं बना पाया क्योंकि हमने जब जियोटेक इसका टेस्ट करवाया तो 12-14 मीटर नीचे जाने के बाद भी हमें पत्थर नहीं मिली, हार्ड स्ट्रटा नहीं मिली जिसके ऊपर हम पाइल को टिका सके और रिटेनिंग वॉल बना सके। तो फिर सेकेंड ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर गैबियन वॉल को चुना और यहाँ पर गैबियन वॉल बनाना प्रपोज किया। ये गैबियन वॉल का एक स्केच है जहां पर देख सकते हैं कि कैसे स्टेयर वाइज फॉर्म में गैबियन में नेट होती है, लोहे की नेट होती है जिसमें हम लोग पत्थर भर के और थ्रू आउट लेंथ में हम रख देते हैं। ये जो है वो खाई के तरफ वाला साइड है, इधर के साइड में रोड है। ये स्टेयर वाइज बना के और इसके अंदर फिर मट्टी भरते हैं और इसके ऊपर रोड बना देते हैं। ये अपना साइट का कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है जहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में रोड है और यहाँ 5-6 मीटर जो है स्लाइड होके जमीन नीचे चली गई। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये गड्ढे खोदा, यहाँ पर वायर की जो मेस होती है उसे 5-6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ऐसे बनाते हैं, उसके अंदर पत्थर भरते हैं, फिर आगे के पोर्शन काटेंगे, फिर उसमें पत्थर भरेंगे। इस तरीके से नीचे वाला पोर्शन 5 मीटर चौड़ा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जाके 4 मीटर चौड़ा बनाते हैं, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, ऐसे प्रपोज्ड है। और इस तरीके से एक दीवार खड़ा कर देंगे। अब चूंकि पत्थर का भार इतना होता है कि इधर का जो मिट्टी है वो पत्थर के दीवार को घिसका नहीं पाता है और इधर का रोड सेफ हो जाता है। ये और भी कंस्ट्रक्शन के साइड से जहां पर देख रहे हैं कि ये वायर में इसमें पत्थर भरे हुए हैं और इधर की मिट्टी को वो रोक के रखा है। फाइनली जब ये बन जाता है गैबियन वॉल तो कुछ इस तरीके का दिखता है पीछे से, जहां पर आप देख रहे हैं कि पत्थर की एक दीवार बनी हुई है। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस दीवार नहीं है, ये नेट में बांध बांध के पत्थर को रखे गए हैं ताकि वो उस साइड की मिट्टी को पीछे ना बहने दे। और इस दीवार के पीछे में जियो टेक्सटाइल वो एक आती है उसे हम डाल देते हैं जिससे कि केवल पानी उससे छन के ये पत्थर के थ्रू होके बाहर गिरती है और मिट्टी इस पत्थर में आके नहीं घुसता है, जिसके कारण जो पत्थर के बीच का पोर्स होता है वो खाली रहता है और केवल पानी उससे बाहर निकलती है, मिट्टी का कटाव वहां पर रुक जाता है। ये अपने प्रोजेक्ट का डायग्राम है जहां पर देख सकते हैं कि नीचे का लेयर 5 मीटर का, फिर 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 लेयर में इसे बनाने हैं और इसके नीचे में जिधर जिधर मिट्टी वाला पोर्शन है उधर जियो टेक्सटाइल डाला हुआ है ताकि इधर से जो पानी जो पेनिट्रेट पानी जो अंदर जा रही है वो जियो टेक्सटाइल के थ्रू छन के पत्थर के थ्रू बाहर निकल जाए और मिट्टी का कटाव यहाँ पर रुक जाए। जब 4 लेयर की हम दीवार बना देंगे, दीवार बनाने के बाद फिर इसके अंदर जो मिट्टी कट गई है उसमें मिट्टी भर के और उसके ऊपर स्टोन पिचिंग कर देते हैं, जियो टेक्सटाइल डालते हैं फिर उसके ऊपर स्टोन का पिचिंग कर देते हैं। पिचिंग करने से क्या होता है कि मिट्टी स्टेबल हो जाता है, वजन के कारण वो पीछे खसकता नहीं है और रोड के लेवल में पिचिंग को लाकर उसके ऊपर फिर मिट्टी भर के और पुरानी तरीके से रोड बना देते हैं। तो उसकी प्रोसेस को वीडियो में देखते हैं। दूसरे साइड वैली है,
झील के ऊपर से बारिश का पानी पेनिट्रेट करके कैरेज वे के नीचे से होके पास कर रही है, जिसके कारण रोड का यहाँ पर आधा हिस्सा स्लाइड कर गया है और ये वैली के साइड चला गया है। तो इसे कैसे रिपेयर करें, तो हमने जियोटेक्निकल यहाँ टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद दो ऑप्शंस पे कंसीडर कर रहे थे कि या तो रिटेनिंग वॉल बना दे, पाइल बनाकर रिटेनिंग वॉल बना दे, या फिर सेकंड ऑप्शन ये गैबियन वॉल बनाए। रिटेनिंग वॉल हम इसलिए नहीं बना पाए यहाँ पर क्योंकि जब हमने ग्राउंड का सर्वे किया यहाँ पर, बोरलॉक निकाला, तो 12-14 मीटर जाने के बाद भी हमें हार्ड स्ट्राटा नहीं मिला जिसपे हम पाइल को टिका सके। तो जब तक हार्ड स्ट्राटा नहीं आते तो पाइल भी स्टेबल नहीं रहता और जमीन के साथ पाइल भी रिटेनिंग वॉल भी स्लाइड करके नीचे चला जाता। तो फिर सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने गैबियन वॉल को चुना। गैबियन वॉल में क्या करते हैं कि ये जो वायर का मेस है, मेस के अंदर पत्थर भरते हैं और पत्थर भर के किनारे किनारे एक दीवार बनाते जाएंगे स्टेप वाइज में, और दीवार बनाने के बाद ये पत्थर को होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद फिर इधर मिट्टी भर के हम फिर से जो कैरेज वे टूट गई है उस कैरेज वे को फिर से कंप्लीट करेंगे। लगभग 5 मीटर का डेप्थ है जहां इतना डेप्थ तक ये मिट्टी स्लाइड हो गई थी। ये गैबियन नेट है, कहा चलो ठीक है, 1 मीटर का ये बॉक्स बना है पांचा। हाँ, उसके बाद फिर पत्थर भरता है। पत्थर का साइज 200 mm से मिनिमम, तो 200 mm का पत्थर होना चाहिए। ठीक है, वो इसमें भर देता है, जमीन को नीचे कॉम्पैक्ट करता होगा पहले ना, बलुआ से पहले। ये 5 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर थर्ड लेयर में 3 मीटर, फिर 2 मीटर कर देगा। 2 मीटर के बाद फिर ऐसे स्लोप मिलाएगा। स्लोप तुम्हारा कितना मीटर का है? 500 mm का है और 7 मीटर लंबा ये जाएगा, तो ठीक है 7 मीटर लग जाएगा। वो मिला देगा उसमें, मिलाने के बाद फिर इसमें मिट्टी भर देगा। ये बनाने के बाद उस साइड में 3 मीटर का बर्न रखेगा ना, बर्न यानी कि मिट्टी फिलिंग करेगा। फर्स्ट लेयर जमीन मिट्टी के अंदर रहेगा, उससे 3 मीटर रहना है। हाँ, कापर बोलते हैं सर, जियो का, जियो, हाँ जियो टेक्निकल, जियो टेक्निकल सीट है ये। इसका क्या काम है? इधर से मिट्टी नहीं अंदर, मिट्टी को अंदर नहीं देगा, केवल पानी जाएगा, पानी फिल्टर होकर उधर बाहर निकल जाएगा। केवल है कितना मोटा रहता है ये? 2.7 से लेकर 3.7 mm का अंदर का केबल होना चाहिए जो वायर है, मल्ड स्टील है ना ये? जी, इतना कि इसमें पत्थर भर देंगे। ये कहाँ से लाते हो मटेरियल सारा? अहमदाबाद। पत्थर तो ये लोकल कैरियर से निकाल लेते हैं। अहमदाबाद से कैसे? ये ऐसे ही, ये ऐसा सीट खोल कर के आता है, इस तरीके से सीट बन के आता है। ये ऐसा 1 मीटर चौड़ाई का रहता है ना, 1 मीटर चौड़ाई का ये एक फीट रहता है। लंबाई कितना रहता है इसका? 4 मीटर बाई 1 मीटर, 4 मीटर बाई 1 मीटर का बना हुआ रहता है। उसको यहाँ लाके बांध देते हो पूरा नीचे से और ऊपर से लेसिंग करते हैं। लेसिंग के लिए क्या हाथ से कर देता है या कुछ इक्विपमेंट है? किस से खींच देंगे तो पूरा पिंचर लगा देना। ये जियो टेक्सटाइल है, इसको कहाँ से लाते हैं? वही अहमदाबाद से है। ये जो वहाँ पर लगा दिया ताकि उधर से पानी ना आए, ये टिकाऊ है? नहीं, टिकाऊ है सब, पूरा कुछ नहीं होगा, पत्थर से भी नहीं कटता है।
जी फिक्स टाइम है। कितना लंबाई है इसका रहता है? इसका लंबाई कुछ नहीं है, वो तो काट के भी रख सकते हैं। नहीं, ये बन के आता है ना, इतना लंबा 5-6 मीटर होगा ये, रखेंगे इसके अंदर पत्थर फंस जाएंगे। इसके अंदर का पत्थर बढ़ने से पैकिंग हो रहा है, इससे कैसे पता चलेगा? बड़ा पत्थर जैसे आप डालेंगे, बड़ा बड़ा पत्थर डालिए, फिर तुरंत तुरंत जो गैप बनते जाएगा उसमें छोटा छोटा फलते जाएंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।